कटिहार जिले के प्राणपुर थाना क्षेत्र के भवनी गांव की दुर्घटना में दो किशोर की मौत पर जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों के द्वारा जिला प्रशासन से की मुआवजे की मांग। ज्ञात हो कि बीते रविवार की रात्रि तकरीबन 8:30 बजे कटिहार की ओर से जा रहे ट्रैक्टर चालक के द्वारा NH81 सड़क के किनारे बैठे मोहम्मद सागीर और मोहम्मद इलियास को रौंद दिया गया था, जिसमें इलाज के दौरान सदर अस्पताल कटिहार में दोनों की मौत हो गई। पुलिस प्रशासन के द्वारा कांड दर्ज कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर मृतक के परिजनों को सौंप दिया गया था। वहीं शव पहुंचते ही बबनी गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया था। मृतक के परिवार को संतावना देते हुए जिला परिषद प्रतिनिधि सह जदयू के प्रखंड अध्यक्ष लड्डू सिंह, पूर्व मुखिया खुर्शीद आलम, मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद तारिक अनवर, पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद नायर। मृतक के परिजनों को लाभ मिलेगा कैसे? एकदम मिलेगा, जो सरकारी प्रावधान है उसके अनुसार जो भी कर जाता है उसको भुगतान किया जाएगा। सर आपका क्या मान? मुआवजा मिले वो एक तो एक बहुत ये दुखद दुर्घटना हो गया, जो नौजवान अभी मैट्रिक पास किया था, फर्स्ट ईयर गरीब का लड़का था और नौजवान था, मैट्रिक पास किया ही था इस बार, दोनों लड़का फर्स्ट डिवीजन, और बहुत ही दुखद घटना है, इसमें हम लोग इसलिए बहुत दुख व्यक्त करते हैं। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharshareef.com। 55 इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाएं अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें